हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनवी कैंपस। तो आज के इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारी वेबसाइट एनवी कैंपस पर डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आप गवर्नमेंट एंड टेक्नोलॉजी एग्जाम से जुड़े एग्जाम के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी बुक्स, क्लास नोट्स, इंटरव्यू बुकिंग और प्रैक्टिस टेस्ट की प्रैक्टिस करके अपना सेल्फ टेस्ट भी देख सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन 316 का आज डोवलियम में INS हंसा में किया जाएगा कमीशन। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार वायुसेना स्क्वाड्रन P8I विमान 316 की कमीशनिंग के लिए गोवा के डम्बोलिम में INS हंसा पहुंचे। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार की मौजूदगी में P8I विमान को INS हंसा में कमीशन किया जाएगा। इस मौके पर नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार ने कहा कि आज की गतिशील और जटिल सुरक्षा स्थिति में इस स्क्वाड्रन की परिचालन क्षमता हमारे राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा, संरक्षण और बढ़ावा देने की हमारी क्षमता को महत्वपूर्ण रूप में बढ़ाएगी। आज की दूसरी खबर है, अनुराग ठाकुर ने शुरू की दुबई एक्सपो में तेजस स्किलिंग परियोजना। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस ऑफ अमृत जॉब्स एड की शुरुआत की। इसका मकसद भारत कार्यबल को कुशल और संयुक्त अरब अमीरात के बाजार की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। दुबई यात्रा के दौरान दूसरे दिन सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस परियोजना की शुरुआत करने के दौरान संबोधित किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत के पास युवा आबादी है और युवाओं की देश निर्माण और छवि निर्माण में बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा, हमारा ध्यान इस आबादी को कुशल बनाना और दुनिया को भारत में बड़े पैमाने पर कुशल कार्यबल मुहैया कराना है। ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत यूएई मजबूत रिश्तों के दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि तेजस का लक्ष्य शुरुआती चरण में यूएई में 10,000 लोगों के मजबूत भारतीय कार्यबल को बढ़ावा देना है। आज की तीसरी खबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण। भारत बायोटेक के एमडी को मिला पद्म भूषण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को इस साल के पद्म पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित किया। पूर्व भाजपा नेता कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके बेटा राजवीर सिंह ने यह अवार्ड ग्रहण किया। वहीं भारत बायोटेक के प्रबंध निदेशक कृष्णा एल और संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा एल को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। पहला समारोह 21 मार्च को आयोजित किया गया था, जिसमें 54 हस्तियों को पुरस्कार प्रदान किया गया था। आधिकारिक बयान में कहा गया कि दूसरे समारोह के दौरान शास्त्रीय गायिका प्रभा आत्रे को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिए जाते हैं। इस साल 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। आज की चौथी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में किया इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को चंडीगढ़ में अत्याधुनिक एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अमित शाह ने वाणिज्य महाविद्यालय के छात्रावास प्रखंडन, पुलिस कर्मियों के लिए 240 आवास निर्माण परियोजना और एक बस डिपो सह कार्यशाला की भी आधारशिला रखी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित वो भी मौजूद थे। ICCC परियोजना के तहत यातायात उल्लंघन पर नजर रखने के लिए चंडीगढ़ में 2000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए। ICCC को सेवाओं और डाटा विश्लेषण की प्रभावी निगरानी के लिए पानी, बिजली, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, परिवहन, ई गवर्नेंस, पार्किंग और सार्वजनिक बाइक साझाकरण सहित प्रमुख नागरिक सेवाओं के लिए एकीकृत किया गया है। आज की पांचवी खबर है, भारत सरकार द्वारा 2025 तक 220 हवाई अड्डों के निर्माण करने का लक्ष्य। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार ने 2025 तक 220 नए हवाई अड्डों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। मंत्री ने कहा कि भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानन यात्रा में सुधार होगा। सिंधिया के अनुसार अत्याधुनिक तकनीक की बदौलत आने वाले दिनों में पायलट लाइसेंस की आवश्यकताओं को सरल बनाया जाएगा। उनके अनुसार सरकार का इरादा 33 नए फ्रंट टर्मिनल, 15 नए उड्डयन परीक्षण स्कूल, नौकरी के अवसर बढ़ाने और ड्रोन को ध्यान में रखने का प्रस्ताव है।
इसके साथ ही सरकार ने 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा। आज लोकसभा में बोलते हुए सिंधिया ने कहा, दुनिया के अन्य सभी देशों में केवल 5% पायलट महिलाएं हैं, भारत में 15% से अधिक पायलट महिलाएं हैं। यह महिला सशक्तिकरण का एक और उदाहरण है। वहां पिछले 20 और 25 सालों में एविएशन इंडस्ट्री में काफी बदलाव हुए हैं। पहले केवल बड़े शहरों में हवाई अड्डे थे, आज वह पूरी तरह से बदल गया है। यही कारण है कि नागरिक उड्डयन उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख तत्व बन गया है। उद्योग में उत्पन्न रोजगार की मात्रा बहुत अधिक है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, संसद के बजट में दूसरा भाग 14 मार्च से शुरू होगा और 8 अप्रैल को समाप्त होगा। बजट सत्र के पहले 6 मई 31 जनवरी को शुरू हुई और 11 फरवरी को समाप्त हुई। तो दोस्तों, आज की थी ये कुछ खास खबरें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।